हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के एमसीयू के जो अभी अभी निकल के आए। पहला अपडेट है डेडपूल 3 जो कि कंफर्म हो गई है एमसीयू के अंडर। मार्वल के केविन फाइगी यानी कि पीजीए जो है मार्वल के, उन्होंने डेडपूल 3 को कंफर्म कर दिया कि वो एमसीयू के अंदर ही बनेगी और आर रेटेड ही बनेगी। हमारे रियान रेनॉल्ड्स ने क्या डाला इंस्टाग्राम पे वो आप देख सकते हैं, जो कि ये कहना चाहते हैं कि आई एम कमिंग होम, यानी कि एमसीयू के अंदर डेडपूल 3 बन रही है और वो आई एम कमिंग होम यानी कि वो आ रहे हैं और जल्दी इस मूवी के बारे में आपको और अपडेट्स भी देते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा अपडेट है स्पाइडरमैन 3 से, यानी कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 से। केविन फाइगी ने हमारे स्पाइडरमैन 3 के बारे में ये कहा है कि जो र्यूमर्स स्पाइडरमैन 3 के लिए निकल के आ रहे हैं वो सब तो सही नहीं है, लेकिन उसमें से काफ़ी हद तक र्यूमर्स जो हैं वो ट्रू हैं। टॉबे मैग्वायर का र्यूमर ट्रू हो सकता है, एंड्रू गारफील्ड का र्यूमर ट्रू हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का र्यूमर ट्रू हो सकता है, मल्टीवर्स का र्यूमर ट्रू हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो मून नाइट से है। मून नाइट का जो लीड कैरेक्टर उसको कंफर्म कर दिया है, जो कि प्ले करेंगे ऑस्कर इसैक मून नाइट की टीवी सीरीज में, जो कि हमें डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगी। लास्ट जो अपडेट है वो हमारा आया मॉर्बियस से। मॉर्बियस की जो रिलीज डेट थी ना वो इसी साल मार्च की थी, लेकिन अब जो हो गई ना ये और डिले हो गई है, जो कि अक्टूबर की हो गई है। अब ये मूवी हमें अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जो कि है अक्टूबर 8, 2021। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार खबर लगी मुझे ये।